हेलो स्टूडेंट आज हम पढ़ेंगे फिजियोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ आयंस में अगला आयन पोटेशियम इससे पहले वाले वीडियो में हमने सोडियम के बारे में देखा इस वाले वीडियो में हम पोटेशियम के सभी फिजियोलॉजिकल फंक्शन देखेंगे तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस पूरे वीडियो में आप जानेंगे कि पोटेशियम जो है वो कितना इंपॉर्टेंट एक इंट्रा हमारा आयन है और ये कितने इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है हमारी बॉडी के करता है तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि पोटेशियम के बारे में जनरल इंट्रोडक्शन ले लेते हैं तो पोटेशियम इज द मेजर इंट्रा सेलुलर तो ये सबसे ज्यादा कहां मिलता है मेजर इंट्रा सेलुलर आयन है 98% ऑफ द पोटेशियम प्रेजेंट इन द सेल्स जितना भी हमारी बॉडी में पोटेशियम होता है उसमें से 98 परसेंट जो है वो सेल के अंदर होता है और सिर्फ दो ही परसेंट जो है वो सेल के बाहर होता है ई मतलब कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड में तो टोटल बॉडी पोटेशियम इन एडल्ट मेल इज अबाउट द 50 मिलिकुलेंट पर केजी ऑफ बॉडी वोड एंड इन्फ्लुएंस बाई द एज सेक्स मसल मास मोस्ट ऑफ द बॉडीज पोटेशियम इज फाउंड इन द मसल्स तो मस्कुलर एक्टिविटी के लिए जो है वो पोटेशियम एक बहुत इंपॉर्टेंट आयन है और मेजरली जो है ये हमारे आयन इंट्रा सेलुलर प्रेजेंट होता है तो इसके आगे भी हम स्पेसिफिकेशन देख लेते हैं कि इसका रिक्वायरमेंट कितना है और इसका सोर्स कितना है तो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल लेवल जो है हमारा जो कि सीरम प्लाज्मा में होता है वो 3.25 मिलीकुलन पर लीटर होता है ठीक है इस इस लेवल को मेंटेन करने के लिए हमें तकरीबन 3 टू 4 ग्राम पर डे पोटेशियम की जरूरत होती है ये रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए हमको अलग-अलग सोर्सेज से हम हमारी बॉडी इस रिक्वायरमेंट को पूरा करती है तो सोर्स देख लेते हैं हम मेन जो हैं वो है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स और फ्रूट्स में बनाना इज में मतलब केले में बहुत मात्रा में पोटेशियम होता है ठीक है इसके अलावा ऑरेंज है पटेटो है ठीक है होल ग्रेन है मीट है मिल्क है लेग्यूमिनस प्लांट है ठीक है और कोकोनट वाटर दिज आर दि वेरी चीफ जिनमें की मेन हमको वो सारे ये सोर्स जिनसे कि हमको नेचुरल सोर्सेस है जिनसे कि हमको पोटेशियम जो है वो मिल सकता है आगे देखते हैं हम किसका एब्जॉर्प्शन और एस्क्रीशन कैसे होता है जो है वो इट इज एब्सॉर्ब थ्रू डिफ्यूजन। ठीक है पैसिव और एक्टिव डिफ्यूजन में क्या डिफरेंस है पैसिव डिफ्यूजन का मतलब ये इसमें एनर्जी रिक्वायरमेंट नहीं होगी और एक्टिव डिफ्यूजन का मतलब क्या होगा कि वहां पे एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट होगा मतलब वहां पे एटीपी खर्च होंगे तो जहां पे एटीपी खर्च नहीं होते उसे हम पेसिड डिफ्यूजन बोलते हैं इसमें किसी भी तरह की एनर्जी इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बेस पे मतलब कंसंट्रेशन जो दोनों तरफ होगा उस हिसाब से ये एब्जॉर्प्शन होता है और ये पूरे जीआईटी आई से होता है जितने भी हम पूरी हमारी एलिमेंट्री कैनाल है वहां से इसका एब्जॉर्प्शन हो सकता है मोस्ट द अमाउंट ऑफ द पोटेशियम इन द बॉडी डिपेंड्स ऑन द बैलेंस बिटवीन द पोटेशियम इनटे एंड आउटपुट कितना एस्क्रीशन हो रहा है और कितना हमारी बॉडी को जरूरत है उस हिसाब से उसका एब्जॉर्प्शन होगा ठीक अगर मान लीजिए एस्क्रीशन कम है तो एब्जॉर्प्शन जो है वो कम हो जाएगा ठीक है और एस्क्रीशन ज्यादा हो रहा है तो मतलब नीड बढ़ रही है बॉडी की तो वहां से एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा पोटेशियम आउटपुट अकर्स थ्रू द प्राइमरी रूट्स इसका जो एस्क्रीशन है वो मेनली तीन रूट से हो सकता है जीआईटी के थ्रू फीसस में स्किन के थ्रू स्वेटिंग में ठीक है पसीने के रूप में और यूरिन के थ्रू इसका एस्क्रीशन हो सकता है इन तीनों एस्क्रेटरी सिस्टम में से दो एस्क्रेटरी सिस्टम में जो वो कम निकलता है और एक से हमारा एस्क्रीशन पोटेशियम का एक्सक्रीशन ज्यादा होता है तो इनमें जो है वो है जीआईटी और स्किन से इसका बहुत कम मात्रा में एक्सक्रीशन होता है इन नॉर्मल कंडीशन अपन सब नॉर्मल कंडीशन की बात करते हैं और मेजर जो इसका एक्सक्रीशन होता है वो होता है थ्रू द किडनी मतलब यूरिन के थ्रू यूरिन के थ्रू इसका एस्क्रीशन मेनली होता है urine, अभी ये में कैसे होता है ड्यूरिंग दब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम देर इज ऑब्लिगेटरी लॉस ऑफ पोटेशियम तो हमने अभी सोडियम इससे पहले देखा था सोडियम का जब हमने से पहले वाला टॉपिक पढ़ा था तो उसमें हमने देखा था कि सोडियम जो हो मैक्सिमम रीएब्जॉर्ब होता है तो इसका मतलब ये है कि पोटेशियम का रीएब्जॉर्प्शन यूरिन में बहुत कम होता है वो मेनली यूरिन में एज अ एक्सक्रीशन में जाता है एल्डोस्टेरोन जो है वो इंक्रीजेस दी पोटेशियम एक्सक्रीशन तो स्वाभाविक है एल्डोस्टेरोन जो है वो हमने इससे पहले वाले सोडियम के उसमें देखा था कि और और ये दोनों जो है सोडियम के के को 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 बढ़ा रहे थे, पानी के रिटेंशन को बढ़ा रहे 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 थे 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 पानी पानी से कर ले ब्लड में डाल दे रहे थे तो एल्डोस्टेरॉन अगर ये सोडियम को रिओब्सॉर्ब करेगा तो पोटेशियम का लॉस होगा तो ये दोनों एक दूसरे के काउंटर में चलते हैं जनरली नॉर्मल केसेस की बात कर रहे हैं अपन है ना एक्सेप्शनली ये चेंजेस होते रहते हैं बॉडी में अब इनके बायोफंक्शन केमिकल फंक्शंस क्या है द पोटेशियम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मिनरल फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द सेल टिश्यूज ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी तो हम इसके जो फंक्शन है वो देख लेते हैं कि ये क्या करता है एसिड बेस बैलेंस बनाने में इसका अच्छा एक खासा योगदान है अलोंग अलॉन्ग सोडियम पोटेशियम अलोंग अलॉन्ग सोडियम पोटेशियम जो है वो बैलेंस बनाता है इन द यूरिनरी सिस्टम हमारे किडनी में ये जो है एक सोडियम पोटेशियम जो है वो इसके थ्रू एसिड बेस बैलेंस को करता है जिसे अभी हमने अभी हमने काउंटर उसमें देखा था विद हाइड्रोजन इट इज रेगुलेट एसिड बेस बैलेंस बैलेंस ठीक ठीक है है और वाटर इन द ब्लड एंड टिश्यूज में तो कैसे होगा मान लीजिए कंडीशन एसिडोसिस हो गई तो एसिडोसिस का मतलब क्या हो गया कि पीएच जो है वो गिर गया ब्लड का पीएच क्या हो गया गिर गया गिर गया मतलब कम हो गया ठीक है ब्लड का पीएच कम होगा का मतलब ये कि वो सेवन से नीचे आएगा सिक्स फाइव थ्री फोर इस तरफ आने लगेगा तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं एसिडोसिस कंडीशन तो अगर पीएच कम हो रहा है तो मतलब कि प्लाज्मा में हाइड्रोजन आयन का कंसनट्रेशन क्या हो रहा है ज्यादा हो रहा है तो ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड में हमने यहाँ पे हाइड्रोजन आयन यहाँ पे लिख रखा है इसका मतलब कि इसका यहाँ पे कंसंट्रेशन ज्यादा है तो जब एसिडोसिस कंडीशन ऐसी होगी तो ये ब्लड में क्या करेगा हाइड्रोजन आयन कहाँ चले जाएंगे सेल के अंदर और इसके एक्सचेंज में कौन बाहर आ जाएगा पोटेशियम प्लस चार्ज को मेंटेन बनाए रखने के लिए प्रेशर को बनाए रखने के लिए तो इस एक्सचेंज के थ्रू ये क्या कर रहा है हमारे एसिडिटी को मेंटेन कर रहा है ब्लड की तो एसिड बेस बैलेंस में ये इस तरह का वर्क कर भी करता है इन अल्कोलोसिस इसके अपोजिट कंडीशन इसके अपोजिट कंडीशन में क्या होगा कि अगर अल्कोलोसिज कंडीशन है मतलब कि ब्लड का पीएच क्या हो गया ज्यादा हो गया वो बेस की तरफ बेसिक इन्वायरमेंट की तरफ जा रहा है तो क्या होगा जो अंदर के पोटे जो हाइड्रोजन है वो कहा जाएंगे वो बाहर आ जाएंगे और बाहर का पोटेशियम चला चला जाएगा जाएगा वो अंदर चला यही हमने लिखा है कि H डिफ्यूज आउट ऑफ कहा सेल एंड पोटेशियम डिफ्यूजिंग तो इसके कारण क्या होगा हाइड्रोजन ज्यादा बाहर आएगा तो वो जो एल्कलाइन या जो बेसिक इन्वायरमेंट बन रहा है उसको वो न्यूट्रलाइज कर पाएगा तो बाय दिस मैकेनिज्म द पोटेशियम इज मेंटेनिंग में

वहां पे रेगुलेट भी करते हैं और मस्कुलर कॉन्स्ट्रेक्शन को भी रेगुलेट करते हैं तो बाय ओवरऑल इफेक्ट ये हमारे हार्ट बीट को जो है कम ज्यादा कर सकते हैं बाय पोटेशियम तो ये यह आपको यहाँ पे दो चीज याद रखना है कि मस्कुलर कॉन्ट्रेक्शन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है और हार्ट बीट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल बायो केमिकल रिएक्शन देर नंबर ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन जहां पे की पोटेशियम जो है एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है तो पोटेशियम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट

वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है और एनर्जी प्रोडक्शन करता है एटीपी का फॉर्मेशन होगा ये पूरी प्रोसेस होती है मेटाबॉलिज्म की तो इस वाली स्टेप में जो है वो पोटेशियम जो है एज ए कोफैक्टर वर्क कर रहा है और इस पायरुवेट की एक्टिविटी को अफेक्ट कर रहा है ठीक तो बायोकेमिकल रिएक्शन को यह अफेक्ट करता है इसके साथ साथ इट इज ऑल्सो एक्टिव इन द ग्लाइकोजन एंड ग्लूकोज मेटाबोलिज्म कन्वर्टिंग द ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन जब हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट हो जाता है तो वो जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होता है इस कन्वर्जन के लिए भी कोई कौन रिस्पॉन्सिबल होता है कौन जर, किस, जो रिस्पॉन्सिबल या बोले हम कि किसकी जरूरत होती है हमको पोटेशियम भी उसमें एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है ठीक है इसके साथ साथ दूसरी चीजें भी जरूरत होती है पोटेशियम उसमें से एक है तो ये कन्वर्जन के लिए ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में कन्वर्जन ताकि वो स्टोर हो सके और वो स्टोर कहाँ होता है लीवर में होता है और जब हम कार्बोहाइड्रेट नहीं ले पाते हैं तो ये ग्लाइकोजन टूट के हमारे शरीर को एनर्जी देता रहता है ठीक है तो इस तरीके से ये मेटाबॉलिक प्रोसेस और बायोकेमिकल रिएक्शन में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कौन पोटेशियम अब है इसका एक और इंपॉर्टेंट फंक्शन जो कि हमने सोडियम में भी पढ़ा था और मैंने सोडियम में आपको ये बोला था कि जब मैं पोटेशियम पढ़ाऊंगा तब मैं आपको वो वाला फंक्शन अच्छे से समझाऊंगा और ये फंक्शन है ट्रांसमिशन ऑफ द नर्व इम्पल्स ये दोनों में कॉमन है आप सोडियम में भी लिख सकते हैं ये वाला और पोटेशियम में लिखते तो ये जैसा मैं आपको समझा रहा हूं ऐसा कैसा आप इसे सोडियम में भी लिख सकते हैं तो इसमें क्या होता है नर्व इम्पल्स तो जो हमारा न्यूरॉन होता है उसमें एक ऐसी लेंथ बनी रहती है ठीक है एक तरफ उसके ऐसे छोटे छोटे से और एक तरफ उसमें ऐसे बड़े-बड़े होते बीच वाला जो पार्ट रहता है ठीक है इसको हम एक्सॉन बोलते हैं ठीक है एक्सॉन जो है फिर वो दूसरे यहां के थ्रू सिनेप्सिस के थ्रू दूसरे न्यूरॉन को दे देगा तो इस तरीके से ये सप्लाई चलती रहती है एक दूसरे से लिया फिर दूसरे को दे दिया फिर इधर से लिया फिर उसने ऐसे एक दूसरे को आगे ट्रांसफर होता जाता है सिग्नल और सिग्नल जो है वो पूरी बॉडी में ट्रांसफर हो जाता है फ्रॉम द ब्रेन टू दी होल ओवर बॉडी पूरे बॉडी में एक एक तो, आगे आगे एक तो पोर पोर तक हमको हर जगह सेंसेशन महसूस होता है मतलब वहीं ना कहीं ना कहीं हमारे वहां पर नर्वस सिस्टम प्रेजेंट है जहाँ पे सेंसेशन नहीं होता वहां पे नर्वस सिस्टम नहीं होता जैसे कि आपके दांत के ऊपर हो ठीक है उसमें आप बहुत हार्ड होता है वहां पे जो है नर्व सिस्टम्स नहीं होती जहाँ उसको हम इमेमल बोलते हैं वो हम डेंटल प्रोडक्ट में देखेंगे तो ये जो जहां पे जब वो ये लेता है मैं इसको और अच्छे से बना देता हूँ तो इसके बीच वाला जो एग्जॉन पार्ट है इस एग्जॉन इस एग्जॉन पार्ट में ही जो है वो क्या होता है मेन ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स को हम समझते हैं ठीक है इसमें तीन स्टेप होती है ठीक है सबसे पहली है पोलराइजेशन पोलराइजेशन का मतलब ये कि जब कोई भी सिग्नल नहीं मिला है जब कोई सिग्नल नहीं मिला है तो जो मेमब्रेन है जो एक्सॉन की मेमब्रेन है वो रेस्टिंग पोजिशन है। रेस्टिंग मतलब की वो आराम कर रही है अभी उसको कोई सिग्नल नहीं मिला है कोई स्टमुलेशन नहीं है ठीक है कोई जगह आएगा तब जाके फिर वो चालू होगी इस कंडीशन में इस सेल के अंदर अब ये सेल के अंदर का हिस्सा है तो यहाँ पे हमने लिख रखा है इस डायग्राम में आप देखेंगे ये सेल के अंदर का हिस्सा तो मैंने ये वाला हिस्सा जो है इससे रिप्रेजेंट किया और ये वाला हिस्सा इससे रिप्रेजेंट ठीक है इस मेम्ब्रेन को हम ऐसे समझ रहे हैं अब इसके अंदर का जो वोल्टेज है वो कितना है माइनस सेवेंटी मिली वोल्ट ठीक है इस रेस्टिंग पोजीशन में सोडियम जो है एक्स्ट्रा सेलुलर आयन है तो वो जा बाहर ज्यादा होगा और पोटेशियम जो है चूंकि इंट्रा सेलुलर आयन है तो वो अंदर ज्यादा होगा लेकिन ओवरऑल इफेक्ट जो होता है उसमें बाहर ज्यादा पॉजिटिव चार्ज ओवरऑल आयन का इफेक्ट बोल रहे हैं हम सिर्फ सोडियम पोटेशियम का नहीं ओवरऑल आयन का इफेक्ट तो है उसमें क्या होगा कि बाहर की तरफ ज्यादा पॉजिटिव होगा और अंदर कम पॉजिटिव होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे कि वो नेगेटिव होगा तो ये इस कंडीशन में ये रेस्टिंग कंडीशन है बाहर ज्यादा पॉजिटिव होना ज्यादा और अंदर कम पॉजिटिव होना या फिर हम उसको बोल सकते हैं कि नेगेटिव होना ठीक है इस स्ट्रक्चर को आप याद रखिएगा यही से फिर हम नेक्स्ट वाली स्टेप पे जाएंगे तो पोलराइजेशन आप याद रखिएगा पोलराइजेशन में जो है एक इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल क्रिएट होता है एक पोटेंशियल है पोटेंशियल मतलब कि एक इलेक्ट्रिकल चार्ज डेवलप हो रहा है ठीक है ये किस कारण से हो रहा है ये हो रहा है आयन की प्रेजेंस के कारण पॉजिटिव और नेगेटिव आयन जो है उनकी प्रेजेंस के कारण हो रहा है अब क्या होता है जब स्टूमुलेशन आता है मतलब जब उसको किसी ने जगाया सिग्नल आया दूसरे न्यूरॉन से तो फिर क्या होगा अब ये पोलराइजेशन था तो इसको बोलते हैं हम डीपोलराइजेशन क्या बोलेंगे हम उसको डीपोलराइजेशन डीपोलराइजेशन के वक्त क्या होता है जो बाहर का सोडियम है वो अंदर जाने लगता है ठीक है तो ये जैसे मैंने एक आपको सोडियम ये जिसके थ्रू जाता है उसको बोलते हैं सोडियम गेटेड चैनल ये सिर्फ सोडियम के लिए ओपन होती है ऐसी बहुत सारी होती है ठीक है मैंने आपको सिर्फ यहाँ पे एक बना के बताइए समझाने के लिए है ना तो ये सोडियम ओपन गेट गेटेड जो चैनल हैं चैनल मतलब की एक ऐसा पैसेज है जहां से कि सोडियम आयन सेल के आर पार चले जाते हैं है ना जैसे कि हमारे गेल घर में हम गेट का इस्तेमाल करते हैं ऐसे ये वो गेट है जिससे कि सोडियम आता जाता है सेल के अंदर बाहर तो ये कहां से कहां से कहां जा रहा है अभी अभी बाहर से अंदर की तरफ जा रहा है सेल के अंदर जाएगा तो क्या होगा अंदर ज्यादा पॉजिटिव चार्ज हो जाएंगे पोटेशियम बाहर नहीं आया तो क्या होगा कि? अंदर हो जाएगा और कम हो तो उसको हम क्या बोलेंगे नेगेटिव है ना जैसे कि हमने इससे पहले वाले बोला मतलब जो पहले वाली कंडीशन थी उसकी जस्ट अपोजिट कंडीशन होगी इसी को बोलते हैं डिपोलराइजेशन जो पोलरिटी थी नॉर्मल वो पूरी डिस्टर्ब हो गई है उसमें उल्टी चार्ज डेवलप हो गया अंदर पॉजिटिव हो गया और बाहर नेगेटिव हो गया तो इसमें क्या हुआ एक्स्ट्रा सेलुलर से सेलुलर सोडियम गया सो बिकम लेस नेगेटिव इनसाइड तो वो तो क्या हो जाएगी लेस नेगेटिव मतलब वो पॉजिटिव हो गई ठीक है अब आगे देख लेते हैं इसके बाद क्या होता है जब ये हो जाएगा तो इसके थोड़े समय बाद फिर पोटेशियम चैनल जो है वो क्या होंगी ओपन होना चालू तो पोटेशियम की जो चैनल्स हैं वो जब ओपन होगी तो जो अंदर से सोडियम नहीं आएगा है ना ये बाहर का सोडियम बाहर ही रह जाएगा अंदर का अंदर ही रह जाएगा अब पोटेशियम चैनल जब ओपन होती है और सोडियम चैनल बंद हो जाती है तो सोडियम चैनल जब बंद होकर पोटेशियम चैनल ओपन होना होगी तो वापस से ये कहाँ आने लग जाएगा पॉजिटिव चार्ज बाहर की तरफ ज्यादा होने लग जाएगा लेकिन इस बार सोडियम के कारण नहीं हुआ किसके कारण हुआ पोटेशियम के कारण हुआ पोटेशियम चैनल्स के थ्रू जो पोटेशियम अंदर से बाहर आने लगेगा सेल के अंदर से बाहर की तरफ आने लगेगा और फिर से वही कंडीशन हो जाएगी कि अंदर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा और बाहर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा लेकिन इस बार जो चार्ज जो डेवलप हुआ है वो पोटेशियम के कारण है और ये पोटेशियम गेटेड जो चैनल्स होती हैं ये बहुत स्लोली वर्क करती है इन कंपेरिजन टू दोडियम चैनल ठीक है तो सोडियम चैनल तो जल्दी से खुल के बंद हो जाती है लेकिन पोटेशियम के चैनल खुलती भी धीरे से है और बंद भी आराम से होती है फिर बाद में इसी को हम इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं रिपोलराइजेशन वापस से नॉर्मल कंडीशन आना लेकिन नॉर्मल कंडीशन में तो पोटेशियम अंदर था और सोडियम बाहर था तो फिर ये सेल धीरे धीरे आपस में आयंस को डिफ्यूज करके और चैनल्स का इस्तेमाल करके वापस से नॉर्मल कंडीशन में ये रेस्ट, हमारे रेस्टिंग कंडीशन में बनी तो इस तरीके से जो है इम्पल्स जो है वो ट्रांसफर होती है हमारे नर्वस सिस्टम में ठीक है नर्वस सिस्टम को हिंदी में बोलते हैं तंत्रिका तंत्र है ना तो वहां पे ये इस तरीके से ट्रांसफर होती है और इसी कारण से जो ब्रेन है और हमारा स्पाइनल कॉर्ड जो है वो हमको सिग्नल प्रोडक्ट दे पाता है हमारे ऑर्गन्स को हमारे सभी बॉडी पार्ट्स को ठीक है तो ये कि ये इंपॉर्टेंट था जो कि मैंने आपको बोला था कि सोडियम में हम बोला था कि अपन पोटेशियम वाले पार्ट में अच्छे से समझेंगे तो ये वाला आपको पार्ट वहां पे अच्छे से जैसा मैंने आपको समझाया आप इतना लिख देंगे दैट इज मोर देन सफिशियंट है अब इसके डिसऑर्डर्स देख लेते हैं जैसे कि हमने सोडियम में देखे थे ठीक है तो वहां पर हमने देखा था कि अगर सोडियम की अमाउंट कम हो रहा है सीरम में तो हम उसे हाइपो बोल रहे हैं तो यहाँ पे इसको हम क्या बोलेंगे हाइपो -केलिमिया.

एड करते हैं तो वाटर लॉस होता है ठीक है एल्डोस्टोरॉन का प्रोडक्शन अगर आप बढ़ता है किसी कंडीशन में जैसे कि कुशिंग सिंड्रोम में कुशिंग सिंड्रोम हमने देखा था इससे पहले वाले भी उसमें भी तो उसमें एडीएच और एल्डोस्टोरॉन का प्रोडक्शन क्या होता है बढ़ जाता है और अगर इसका प्रोडक्शन कम होगा तो उसे एडिसन डिसीज बोलते हैं है ना तो एल्डोस्टोरॉन का प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो एक्सक्रीशन ऑफ पोटेशियम बढ़ जाएगा क्योंकि एल्डोस्टोरॉन सोडियम के रेब्सॉपशन को बढ़ाता है

इसके साथ मिलके पीएच बैलेंस को बनाने में करता है, इसके कारण, देखने को मिलती है। और इसके रीजन देख लेते हैं कि क्या क्या कॉजेस है हाइपोकेलेमिया के तो रिड्यूस इंटेक ऑफ पोटेशियम अगर पोटेशियम का इंटेक अगर हम कम कर दे डाइट में ठीक है और उसका लॉस ज्यादा होने लगे तो भी होगा स्वेटिंग बहुत ज्यादा होती हो ठीक है जैसे समर सीजन में ज्यादा इसका है जो है वो होने कुछ ड्रग्स ऐसी जो कि इनके एब्जॉर्बन को मिनिमाइज कर देती है फ्रॉम द जीआईटी जैसे कि कार्बेनेसिलिन जेंटामाइसिन भी और किडनी डिसीज से रिलेटेड जो कॉम्प्लीकेशन होते हैं उसमें जो है हमको हाइपोकेलेमिया देखने को मिलता है सिम्टम्स क्या क्या होते हैं इसके इसके सिम्टम्स है एनोरेक्सिया होना नोजिया होना वॉमिटिंग है ठीक है नोजिया मतलब जी घबराना उल्टी होना ठीक है मसल्स मस्कुलर क्रैम्प है टेंडरनेस है मतलब ये मस्कुलर पेन होना उसमें थकावट सी होना टेकी कार्डिया है मतलब हार्ट बीट का जो है वो बढ़ जाना कार्डियक अरेस्ट जो है ये नॉर्मली कम देखने को मिलता है लेकिन ये हाइपर में ज्यादा देखने को मिलता है तो हाँ कार्डियक मसल्स आर अफेक्टेड बाय द लो पोटेशियम एंड कैन नॉट कॉन्ट्रेक्ट ठीक है तो ये बहुत सीवियर हाइपोकोलेमडीशन जो है वो नॉर्मली बहुत ज्यादा नहीं होती तो इस कंडीशन में कार्डिक हो सकता है अगर ये ज्यादा कंडीशन ज्यादा लेवल गिर जाएगा पोटेशियम का ब्लड में तो फिर कार्डिय अरेस्ट में कॉज लिथार्जी है कंफ्यूजन है ठीक है आपको लिथार्जी मतलब थकावट सी होना मस्कुलर वीकनेस होना पैरालेसिस होना चूकी मसल कॉन्ट्रेक्शन को रिस्पॉन्सिबल होता है तो समटाइम्स पैरालिसिस भी कॉज कर देता है अब देते हैं हम इसका उल्टी कंडीशन कि अगर एलिवेशन हो जाए मतलब कि ज्यादा हो जाए पोटेशियम हमारे प्लाज्मा में मतलब कि फाइव से अबो हो जाए तो क्या होगा तो इसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं हाइपर बोलते हैं कॉजेस क्या है इसके रीनल फेलर हो मतलब फिर उसका एक्सक्रीशन ही नहीं हो पाए तो वो सारा का सारा कहाँ रह जाएगा सारा का सारा कहा रह जाएगा ब्लड में रह जाएगा ब्लड में रह जाएगा तो प्लाज्मा में हमको वो नोटेट हो जाएगा तो पोटेशियम जो 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 है लोड जो है है लोड वो वो नहीं कर पाए और उससे उसका फिल्ट्रेशन जो है, वो बहुत कम हो जाए तो ऐसी कंडीशन में जो है वो हाइपर को लिए मिनरलो कॉटिकॉइड तभी मैंने आपको बताया था एडिसन डिसीज ठीक है एडिसन डिसीज तो अभी हमने कुशिंग हमने कुशिंग सिंड्रोम के बारे में देखा तो उसमें एल्डोस्टेरोन का सिक्रेशन ज्यादा होता है इसमें कम हो जाएगा तो

सोडियम आउटसाइड द सेल इसके कारण क्या होता है तो अगर इंसुलिन इन्सु, अगर पोटेशियम से बाइंड नहीं होगा तो वो आउटसाइड ही रह जाएगा <coughs> तो इसके कारण क्या होगा अगर वो आउटसाइड रह जाएगा तो ब्लड प्लाज्मा में रह जाएगा ब्लड प्लाज्मा में रह जाएगा तो क्या होगा कि वो बाहर नोटिफाई होगा और हाइपो कॉज कर सकता है कुछ ड्रग्स भी है जैसे कि डिजिटेलिज डिजॉक्सिंग जो कि जनरली सोडियम पोटेशियम पंप के साथ कंपीट करती हैं और ऐसे केस में पोटेशियम जो है वो आउटसाइड द सेल ही रह जाता है ठीक है और वो प्लाज्मा में नोटेड होता है तो और भी है जैसे बीटा ब्लॉकर ड्रग्स भी होती हैं तो ये भी साइक्लिक और प्रो प्रोटीन द फॉस्फोरोलेशन ऑफ सोडियम पोटेशियम एंटीपे पंप तो ऐसे केस में भी तो ऐसे केस में क्या होता है कि पोटेशियम जो है वो बाहर नहीं जा पाता ठीक है तो ये क्या है कि वो बाहर का बाहर ही रह जाता है और वो सेल के आउटसाइड नोटिफाई होगा तो वो हाइपर केलीमिया कॉज करेगा सिम्टम्स क्या हो सकते हैं ब्रेडिकार्डिया तो हमने टेकी कार्डिया उसमें देखा था तो उसमें हार्ट रेट क्या हो जाती है कि बढ़ती थी ब्रेडिकार्डिया इसका उल्टा है कि हार्ट रेट क्या हो जाए स्लो हो जाएगी एडिसन डिसीज उसमें हमने कुशिंग सिंड्रोम देखा था एनजाइटी इरेटेबिलिटी मस्कुलर वीकनेस उसमें भी थी इसमें भी होती है मोजिया वोमिटिंग दोनों में हमको देखने को मिलती है अब अगर यह केस जो है हमको हाइपर कैलिमिया में देखने को मिलता है कि एरेथमिया ठीक है तो हमने बोला कि मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन और हार्ट बीट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कौन पोटेशियम है तो कार्डिक मसल्स कैन नॉट एफिशिएंटली कॉन्ट्रेक्ट एंड रिलैक्स दिस अल्टर द रेट ऑफ द रिदम और हार्ट बीट ठीक है अगर पोटेशियम का लेवल कम ज्यादा होता है अगर ये बहुत ज्यादा हो जाए यहां पे हम क्या लिख रहे हैं कि अगर पोटेशियम का लेवल मान लीजिए बहुत ज्यादा हो जाए तो रिदम ऑफ हार्ट जो है मतलब हार्ट के धड़कने की जो एक रिदम है एक फ्लो जो है वो गड़बड़ हो जाएगा इसी को बोलते हैं तो इसके कारण क्या होता है कि कार्डियक अरेस्ट कभी कभी हमको और डेथ देखने को मिलता है ये जनरली क्यों होता है ऐसा क्योंकि तो पोटेशियम कॉजेज द मसल टू तो डिक्रीज इन एफिशिएंसी पोटेशियम का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होने के कारण मस्कुलर जो है वो उसके कॉन्ट्रेक्शन जो एफिशिएंसी है वो बहुत कम हो जाती है और इसके कारण अरेथमिया कॉज होता है और अरेथमिया के कारण समटाइम्स में कॉज दी कार्डियक अरेस्ट एंड इट विल कॉज द डेथ ठीक है तो हमने कार्डियक अरेस्ट उसमें भी देखा था हाइपो में उसमें भी यही कारण था ठीक है कि अगर वो कंसेंट्रेशन कम होगा तो मस्कुल मसल्स तक पहुंचेगा ही नहीं मसल तक पहुंचेगा नहीं तो मस्कुलर कॉन्ट्रेक्शन इसमें उल्टा हो जाएगा अगर बहुत ज्यादा हो जा रहा है तो मस्कुलर का भी पोटेशियम मतलब क्या हो जा रहा है कि वो प्लाज्मा में आ जा रहा है मसल तो उसके कारण जो है वो इरिटेबिलिटी मतलब उसका मसल कॉन्ट्रेक्शन जो है वो प्रॉपर नहीं हो पाएगा और वो अरिथमिया कॉज करेगा और उसके कारण कार्डियस्ट हो तो हमने इस पूरे वीडियो में ये देखा कि पोटेशियम जो है वो क्या क्या कॉज कर सकता है उसके क्या क्या फंक्शन है उससे रिलेटेड क्या क्या डिसऑर्डर्स हैं ठीक है होपफफुली आपको समझ में आया होगा फिर भी अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं थैंक यू आज के लिए इतना ही